जी अब हम लोग 7.6 न्यूमेरिकल हल करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले हमें देते हैं, स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ दी हुई है। द हेड ऑफ अ पिन इज स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। यानी हमें डाटा में जो चीज़ें गिवन है वो हम सबसे पहले लिखते हैं कि डाटा में हमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो क्या क्या हैं। तो हमें बताया गया कि ये एक स्क्वेयर है। स्क्वेयर का मतलब ये होता है कि इसकी जो दो साइड्स हैं वो एक जैसी होनी है। मतलब अगर ये 10 मिलीमीटर है तो फिर ये भी 10 मिलीमीटर होगा, तो इसका मतलब ये स्क्वेयर बन गया। तो हमें एरिया जो है ना वो दिया होगा 10 मिलीमीटर बाय 10 मिलीमीटर। स्क्वेयर की दोनों साइड्स एक जैसी होती हैं। अगर एक साइड दी है तो दूसरा इसका अंडरस्टूड हमें मतलब समझा जाएगा कि दूसरी साइड भी 10 ही है, तो हम इसको एरिया मानेंगे। और इसको मैं 10 और मिली का मैं प्रीफिक्स लगाता हूँ, ये 10^-3 है, साथ में मीटर आ जाएगा और इंटू 10, और फिर इसके साथ -3 लगाता हूँ, साथ में मीटर आ जाएगा। ये एरिया मेरे पास दिया हुआ है। तो अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। मैंने 10 को 10 के साथ ज़रब दे दी तो 100 बन गया, और इंटू 10^-6 करता हूँ और ये 1 मीटर और ये 1 मीटर मिलकर मीटर स्क्वेयर बन गया, और इसको मैंने ए लिख दिया। और क्या चीज़ हमें गिवन है, और हमें ये दिया हुआ है कि जो फोर्स है ना वो 20 न्यूटन है हमारे पास। तो मैं लिखता हूँ फोर्स एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन है। तो यहाँ पे फोर्स फाइंड जो हमने करना है, प्रेशर फाइंड करना है हमने। प्रेशर फाइंड करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फार्मूला है, हम लोग जानते हैं। फार्मूला जो है वो फोर्स फाइंड करने के लिए, प्रेशर फाइंड करने के लिए हमारे पास है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। कैलकुलेशन में हम लोग जानते हैं कि वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमें पता होती हैं, डाटा में गिवन है। तो 20 न्यूटन हमारी फोर्स है, 20 न्यूटन। और इसी तरह से जो एरिया है वो एरिया हमें पता है कि ये वाला एरिया हमारा 100 × 10^-6 स्क्वायर मीटर है। तो इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करने के लिए एक बात ध्यान में रखेंगे, हमेशा से जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने वाली चीज़ को आप ब्रैकेट लगा के जब डिवाइड करेंगे तो वो आपका गलती आने के चांसेस आपके ख़त्म हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप पहले लिखें 20 और फिर आप डिवाइड का साइन दबाएं और उसके बाद आप लोग जो 100 × 10^-6 दबाएं, तो ये सारा कुछ सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो 2 × 10^5 आएगा और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर बन जाएगा। ये ऊपर जाके पर स्क्वायर मीटर बन जाएगा। ये सारा यूनिट पास्कल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों सेम हमारे पास यूनिट है। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी प्रेशर का यूनिट है और पास्कल भी इसी का यूनिट है। तो एक दफ़ा हम इसका सारे का रिव्यू कर लेते हैं। हमें बताया गया था कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 मिलीमीटर है, तो हमने कहा कि दोनों साइड्स ही 10 मिलीमीटर होंगी क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की दोनों साइड्स बराबर होती हैं। तो एरिया को मैंने लिखा 10 मिलीमीटर × 10 मिलीमीटर। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया एरिया इज इक्वल टू 10 और मिली का मैंने प्रीफिक्स लगा दिया। ये प्रीफिक्स जो है इसका मतलब यह है कि मिली का जो 10^-3 ये प्रीफिक्स है, तो इधर भी फिर हमने प्रीफिक्स लगा दिए, दोनों प्रीफिक्स लगा दिए। फिर मैंने 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10^-100 बन गई है 10। और इसी तरह 10^ जो -3 है और ये वाला -3 बेस बराबर होने की वजह से ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब ये -6 आ जाएगा। तो -6 आ गया, ये वाला साथ में मीटर ने मीटर के साथ जब कहा कि मीटर स्क्वेयर बन गया। तो अब मैं फोर्स फाइंड करता हूँ। फोर्स जो हमें डाटा में दी हुई 20 न्यूटन है और प्रेशर हम लोगों ने निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो कैलकुलेशन में हमें 20 न्यूटन फोर्स है और ये हम लोगों ने एरिया फाइंड किया था, तो कैलकुलेटर से इसको हल करके हमारे पास ये वाला आंसर बन गया। वैसे भी अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि 0 को 0 से काट सकते हैं, फिर 2 बच जाएगा और ये 10^-5 हो जाएगा इस 10 की वजह से, और फिर -5 को ऊपर लेके जाओगे तो 2 के साथ +5 आ जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन में हम जुबानी भी इसको कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। यही हमारा आंसर था।